Hello guys, I am Jyoti Sikka and today we will discuss point of sale procedure. Point of sale where we sell the products and get cash from customer, and it is a big process. Let's learn how many steps we have to follow in this process. Let's start. Point of sale. First of all, we will learn the meaning of point of sale. The point of sale is a place where the customer comes to pay his or her purchase. जहाँ पर customer जो है वो अपने cash देता है और वहाँ से products purchase करके लेता है. This will be the last place for the customer will remember while in your stores. Your store. This is the last place है. जहाँ पर कस्टमर आता है अपनी सारी सेल्स अपनी सारी शॉपिंग करने के बाद बिलिंग करने के लिए ट्रांजैक्शंस एक्ट. तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली लीविंग द बेस्ट पॉसिबल इम्प्रेशन विद द कस्टमर. यहाँ पर जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए. एफिशिएंटली उसको ट्रांजेक्शन्स को करना चाहिए जो भी POS पर बैठा हो, जैसे कि उसको प्राइजेस, टैग्स, कूपन, डिस्काउंट्स इन सब का पता होना चाहिए और उसे को कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए. दिस इज वेयर द सेल असिस्टेंट कंप्लीट्स द सेल यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल इक्विपमेंट्स इज बेटर नोन एज ए कैश रजिस्टर. इसको हम कैश रजिस्टर भी बोलते हैं. देखो पॉइंट ऑफ सेल जो है इसके अंदर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्वाइप कार्ड रीडर या फोन, ये सब प्रोडक्ट्स POS पर यूज किए जाते हैं. इक्विपमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ सेल. पॉइंट ऑफ सेल पर क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं? सबसे पहले कैश रजिस्टर, या नंबर टू है EFT POS मशीन. EFT POS मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल मशीन. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल मींस स्वाइप कार्ड रीडर. जैसे आप लोग अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो ये कॉमन है आजकल, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं, पेट्रोल पंप पर भी कार्ड रीडर का कार्ड का यूज होता है, तो उसके पास एक मशीन होती है, उसे EFT POS मशीन कहते हैं. स्केल्स, अगर यहाँ पर स्केल्स यूज करने हैं, स्कैनर्स स्कैन करते हैं जिससे प्रोडक्ट्स को, जिससे बार कोड पता चल जाता है. प्रिंटिंग मशीन जिससे बिल प्रिंट करके दिया जाता है. कन्वेयर बेल्ट का यूज होता है. फोन या माइक्रोफोन फॉर अनाउंसमेंट्स इसके लिए यूज होता है. कैश रजिस्टर. कैश रजिस्टर क्या होता है? देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैश रजिस्टर्स यूज्ड बाय रिटेलर. देखो पहले ये मैनुअली यूज किए जाते थे, तो कैश रजिस्टर भी मैनुअली बनाया जाता था. एक रजिस्टर होता था नॉर्मल जिसके ऊपर कैश की आने या जाने की, कैश की इनकमिंग या आउटगोइंग का सारा नोट किया जाता था. आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर. कैश रजिस्टर कई तरह का होता है. ये क्या किस पर डिपेंड करता है? रिटेलर पर. ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज, जैसे कि नंबर वन द साइज ऑफ द शॉप. आपकी शॉप का साइज कैसा है, छोटा या बड़ा. द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को कस्टमर से कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके ऊपर भी कैश रजिस्टर का जो साइज है या जो टाइप है वो डिपेंड करता है. टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, इस पर भी कैश रजिस्टर का टाइप डिपेंड करता है. जैसे कि कार के शोरूम में जो कैश रजिस्टर यूज होता है वो किराने वाली शॉप पर यूज नहीं होता, क्योंकि किराने वाली शॉप पर, ग्रोसरी शॉप पर जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है. द एज ऑफ इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक POS मशीन पर, उनकी एज क्या है, इस पर भी कैश रजिस्टर डिपेंड करता है. जैसे कि वो सॉफ्टवेयर आप नए चला सकते हो या नहीं चला सकते हो. हैंडलिंग कैश. हैंडलिंग कैश मीन्स कैश को हैंडल करना. देखो अगर आपका रिटेल स्टोर है तो आपके पास कैश में भी डीलिंग होता है,
कई कस्टमर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करते हैं, या पेटीएम का यूज नहीं करते, गूगल पे का यूज नहीं करते हैं, तो उनसे उनको हैंडल करने के लिए आपको कैश चाहिए। हैंडलिंग कैश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर वर्क। हैंडलिंग कैश जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? व्हेन रिसीविंग कैश और पासिंग ओवर कैश टू ए कस्टमर, स्टेट द अमाउंट लाउड एंड क्लियर। देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चोरी होने के चांसेस रहते हैं। चोरी कई बार एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं और कस्टमर भी कर सकते हैं। तो उन दोनों से बचने के लिए एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, जो पीओएस सिस्टम पर बैठेगा, अगर वो कैश को हैंडल कर रहा है, तो उसे अगर वो कस्टमर को कैश पेमेंट कर रहा है या चेंजेस उससे कुछ चेंज ले रहा है कैश का, तो उसे लाउड और क्लियर वॉइस में बताना चाहिए कि कितना कैश उसके पास आया और कितना वो रिटर्न कर रहा है। एनश्योर दैट द कस्टमर एग्रीज विद द कैश। जितना वो कस्टमर को कैश रिटर्न कर रहा है, वो एनश्योर करे कि कस्टमर को सुनाई दे गया है। इसके अलावा अगर वो कुछ ट्रांसफर कर रहा है, वो भी उसको पता होना चाहिए कि मैंने कितना कैश कहाँ पर ट्रांसफर किया है। दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू व्हेन डीलिंग विद कलीग्स। देखो अगर आप अपने कस्टमर के साथ साथ अगर अपने कलीग्स के साथ भी डील कर रहे हो कैश में, जैसे कि आपके रिटेल स्टोर बहुत बड़ा है और आपका पीओएस दो या तीन है, तो अगर एक पीओएस पर कैश नहीं है, दूसरे पीओएस से कैश चेंज कराने की दिक्कत आ जाती है, तो वहां से कराना पड़े, तो भी उसे ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिक्वेस्टिंग चेंज फ्रॉम अनदर कैश रजिस्टर, एनश्योर यू बोथ एग्री ऑन द अमाउंट बींग एक्सचेंज। जैसे आप जितना चेंज कर रहे हो, कैश चेंज कर रहे हो दूसरे पीओएस से, तो आप जैसे अगर आपने 500 रुपीज उसको दिए हैं, तो आप बोलो कि आपने 500 रुपीज दिए हैं और सामने वाला भी ये एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे 500 मिल गए हैं। कैश रजिस्टर सिक्योरिटी। कैश रजिस्टर की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिटेल स्टोर में। जितना कि स्टॉक को सिक्योर करना जरूरी है, उतना ही कैश रजिस्टर को सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि चोरी होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। तो द पॉइंट ऑफ सेल एरिया विद द कैश रजिस्टर लोकेटेड देयर इज ऑफन ए की टारगेट टू अनस्क्रुपुलियस विजिटर्स टू द स्टोर। अनस्क्रुपुलियस विजिटर्स वो होते हैं जो सिर्फ स्टोर के अंदर चोरी करने के उद्देश्य से आते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मेन की टारगेट होता है, वो कैश रजिस्टर ही होता है। तो वहां पर क्या करना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी मेजर फॉलो दीज सिंपल रूल्स। उसको ये रूल फॉलो करने चाहिए जो भी कैश रजिस्टर को हैंडल कर रहा है। नंबर 1, नेवर लीव द कैश रजिस्टर ओपन एट एनी टाइम अनलेस यू आर यूजिंग इट। जब तक आप कैश रजिस्टर, जो आपकी साइट है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको यूज कर रहे हो, तभी तक उसको ओपन रखो, अदरवाइज उसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट है, नेवर फेस अवे फ्रॉम एन ओपन कैश ड्रॉर। अपने जो जो आपका कैश ड्रॉर है, जहां पर कैश रखा हुआ है, उससे कभी अपने फेस को दूर मत करो, जैसे कि साइड पर मत देखो। अगर आपके सामने ड्रॉर है, कैश खुला हुआ है, तो ये नहीं है कि आप साइड में बैठकर किसी से बातें कर रहे हो। नेवर प्रोवाइड योर स्टाफ कोड टू एनीवन। हर रिटेल स्टोर के अंदर सभी स्टाफ को अलग अलग कोड दिया जाता है, तो वो कोड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लॉक द रजिस्टर व्हेन लीविंग द स्टेशन। अगर आप अपने पीओएस को छोड़कर जा रहे हो प्लेस को, वहां से जैसे कि आप वॉशरूम के लिए जा रहे हो या लंच करने के लिए जा रहे हो या आपका ऑफ टाइम हो गया है, तो आप उसको पहले प्रॉपर लॉक करो। कैश रजिस्टर सिक्योरिटी में और भी बहुत सारी बातें होती हैं। क्या है वो? नेवर लीव द की इन एन अनअटेंडेंट कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर को अगर आपने लॉक किया है, तो आप जो है उसकी की को उसके अंदर ही नहीं छोड़ देंगे। हैव द की कैश क्लियर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपके अपने कैश ड्रॉर को बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं रखेंगे, जितना कैश उसमें जरूरी है उतना ही रखें, बाकी अपना वहां से कैश निकाल लें। डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड वाइल यूजिंग द कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर को अगर आप यूज कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब इधर उधर बातों में नहीं लगना है आपको। नेवर लीव कैश लाइंग अराउंड, इधर उधर कैश बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए।
प्रॉपर अरेंज किया हुआ होना चाहिए. नेवर स्टॉप टू टॉक विद कस्टमर और स्टाफ वाइल कैरिंग कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैश लेकर जा रहे हो तो आप बीच में कस्टमर से या स्टाफ से बात करना मत बंद करो, क्योंकि वो अनकॉमन हो जाएगा और सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा. यूज कॉमन सेंस एंड बी अलर्ट टू सस्पिशियस पर्सन और सिचुएशन. आप अपने आप को अलर्ट रखो, हो सकता है कभी बात करने की जरूरत हो, कभी नहीं बात करने की जरूरत हो, तो अपनी कॉमन सेंस को यूज करें और जो भी आपको सस्पिशियस पर्सन लगते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अवेयर करें, हैंडल करें, अपने कलीग्स की हेल्प लें, जो भी आपको ठीक लगता है अपने कैश रजिस्टर की सिक्योरिटी करने के लिए आप कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.